हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज से मैं अपने नए यूट्यूब चैनल डॉक्टर अक्षरधारा आर्या में अपना नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं कुछ नॉलेजेबल और कुछ पढ़ने की ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, COVID-19 मिथ्स। इसमें मैं आपको मिथ बताऊंगा COVID-19 के, और ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे जो भी आपको मिथ लगते हैं वो आपके सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी कंपनी ने अपने आपकी जो लोग कह रहे COVID-19 की वैक्सीन है, वो वैक्सीन नहीं, एज इम्यून बूस्टर है। कंपनी के बाद भी प्रूव हुई गई है कि इम्यून बूस्टर है। जैसे कि हमारी तीन पैथीस होती है, एलोपैथी, आयुर्वेदी और होम्योपैथी। तो तीनों मेन पैथीस है, एलोपैथी, आयुर्वेदी और होम्योपैथी। इन तीनों ने अपनी मेन जो इम्यून बूस्टर है, जो ज्यादा आपकी उसमें सफलता करे और ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करे COVID-19 वायरस से, वो जैसे कि एलोपैथी ने निकाली अपनी दो मेन मेडिसिन जो आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कोविप्योर और फेबी फ्लू। ये एलोपैथी मेडिसिन। और उसके बाद है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो श्री रामदेव बाबा जी के द्वारा निकाली गई है, वो है कोरोनिल किट, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सके। और तीसरी है हमारी होम्योपैथी, जिसमें हमारी एक बहुत अच्छी दवाई आर्सिनिक एल्बम 30 का डोज दिया जाता है, जिससे कि आपकी COVID-19 वायरस को कम कर सके और उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके। और जैसे कि ये सारी चीजें इम्यून बूस्टर है, आप बिना दवाई, आपके पास पैसे ना हो तब भी आप बिना दवाइयों के, बिना कोई होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक दवाई के भी आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि श्री रामदेव बाबा जी के द्वारा जो योगा प्रचालन किया जाता है, जिसके वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। योगा एक ऐसा महान मुद्दा है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी से बॉडी की बढ़ जाए। अगर हमारे पास पैसे नहीं है पर हम अपने इम्यूनिटी के लिए प्रति बहुत जागरूक है, तो हमें नंबर फर्स्ट योगा करना चाहिए और नंबर सेकंड अपनी रेगुलर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के मसल्स ग्रो होंगे, बॉडी ग्रो होगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। और थर्ड जो मेन चीज है, हमें करनी चाहिए अपनी डाइट, फिक्स डाइट। हमें कोई बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए, तली भुली चीज नहीं खानी चाहिए। ये सिर्फ COVID-19 के पीरियड के टाइम में नहीं, ये हमने अपनी पूरी लाइफ टाइम में करना चाहिए कि हमने कोई बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए। बाहर के राइस, मोमो, चाउमीन, बर्गर नहीं खाने चाहिए। अगर खाने का मन है तो घर में बना के खाए, और घर में हम बनाएंगे हाइजीनिटी और बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल से बनाएंगे, और कम से कम ही खाना चाहिए। ये हमें टेस्ट ज्यादा देती है पर नुकसान ज्यादा देती है। इससे अच्छा हमें अपनी डाइट मेंटेन करके चार रोटी खाओ, भले आप दो खाते थे, अब चार खानी है, जितनी रोटी खानी खाओ, पर फास्ट फूड को छोड़ के आप घर का हेल्दी खाना जितना खाएंगे उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और आपको कुछ अगर मुझे सजेशंस देने हैं तो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।